ये एशिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसमें 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों 2004 में इसकी नींव रखी गई थी। ये जो सर्वोदय धाम है जो ये पूरा 200 एकड़ में फैला हुआ है। सो हे एवरीवन, मैं हूँ जगदीश, स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस नए व्लॉग में। फिलहाल मैं वाराणसी के गाजीपुर जिले के उमरहा गांव में हूँ, जहाँ पे सर्वोदय धाम मंदिर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बनाया गया है, अभी जल्द ही है। और 23 दिसंबर 2023 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और दिखाते हैं कितना बड़ा ये मंदिर है और कितना बड़ा ये मेडिटेशन सेंटर है गाइस, एशिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। We began to feel the fire. We rise like. दोस्तों हम आ चुके हैं सर्वेद महामंदिर के मेन गेट पे। फिलहाल हम रोड पे खड़े हैं, ये वाराणसी से गाजीपुर तक जाने के लिए रोड 4 लेन रोड बनाया गया है, इसी रोड पे हम खड़े हैं। और इसके बैक साइड से ही गेट है, वहाँ से हमें एंटर करना है सर्वेद महामंदिर में जाने के लिए। देखिए यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर सकते हैं जब भी आपको आना है। फिलहाल हम यहाँ से एंटर करते हैं, थोड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे चेकिंग करनी होती है, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वो रहा मंदिर, आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा, ये मंदिर का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आप देख सकते हैं रोड वगैरह जो अभी भी कच्चा ही बना हुआ है। फिलहाल बारिश का समय है तो काफ़ी यहाँ पे कीचड़ थोड़ा सा हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बगल में भी एक नहर टाइप में बनाया गया है और रोड अभी पूरी तरह से कच्चा ही है, क्योंकि अभी पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं, काम अभी भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं मंदिर यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मंदिर से बाहर का रास्ता है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। छोटी सी और एक सिक्योरिटी चेक हमें करना होता है मंदिर के एंटर करने के पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, और ये रहा उसका अगल बगल का नज़ारा जो कि अभी भी काम चल रहा है, सौंदर्यीकरण का काम अभी भी चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं। कीचड़, जैसे मैंने बताया कि बारिश का समय है तो कीचड़ होना थोड़ा स्वाभाविक बात है, कच्चा रास्ता है, तो एक बार जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं। अगल बगल में आप देख सकते हैं तो चाट चाउमीन की यहाँ पर दुकान वगैरह है, यहाँ पर देख सकते हैं। भूख लगी तो यहाँ पर खा सकते हैं, लेके ककड़ी वगैरह मिल रहा है तो इसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का पूरा व्यू, कितना बढ़िया लग रहा है आपको, दिखाते हैं यहाँ का इसका पूरा व्यू। और जो है लेडीज के लाइन तो गाइज मेरे पीछे जो पद आप देख रहे हैं, जो कार भी इसका काम चल रहा है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। मेरे पीछे जो पत्थर दिख रहा है इसी को काट काट करके इस मंदिर का जो पूरा इसका सौंदर्यकरण किया गया है, स्थापना की गई है इसकी, और इसी तरह से इसको बनाया गया है। मैं आपको अंदर ले जाता हूँ, दिखाता हूँ कितना इसका व्यू, कितना बढ़िया व्यू है गाइज। शूज़ निकाल दिया है, अब चल रहे हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया इसकी नक्काशी की गई है और कितना अच्छा लग रहा है, इसका व्यू कितना अच्छा है सामने से देखने में। दोस्तों बताना चाहूँगा, सर्वेद महामंदिर धाम का नाम सदगुरु श्री सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखित एक महाग्रंथ से लिया गया है जिसका नाम सर्वेद ग्रंथ है। दोस्तों इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं बल्कि योग साधना की पूजा होती है, और इसी के लिए उपलक्ष्य में इस मंदिर को बनाया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें। और सर्वेद महामंदिर धाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से 15 किलोमीटर दूर उमरहा में स्थित है। उमरहा एक गांव का नाम है, वहां पे स्थित है। और 2003 में इसकी नींव रखी गई थी और 2023 में इसे पूरी तरह से बनाकर के कंप्लीट कर दिया गया है। टोटल 7 मंजिल का ये महामंदिर है जिसे लगभग बनाने में 20 साल का समय लगा हुआ है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसमें 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और आइए जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग बातें इस मंदिर के बारे में। सर्वेद महामंदिर धाम का मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों के विशालकाय कमल पुष्प की तरह है और जिसे गुजरात में GRC तकनीक द्वारा इसे बनाया गया है। और सर्वेद महामंदिर धाम में एक जड़ी बूटियों वाला गार्डन बनाकर तैयार किया जाएगा, जहाँ पर कुछ दुर्लभ किस्म की औषधीय पौधों को लगाया जाएगा। फिलहाल अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि बाहर का भी काम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बताया था इसके पहले कि बाहर अभी भी काम चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो गुंबद है, इसका नज़ारा कितना खूबसूरत है।
ये देखिए, ये भी एक सदाफल जी की जो है, सदगुरु श्री सदाफल जी की ये मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। और देखते हैं कितना यहाँ पे स्पेस दिया गया है, आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो दीवारों पे नक्काशी की गई है, यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। हर जगह बैरिकेशन लगा के रखा हुआ, क्योंकि अभी तक जो है फर्स्ट मंजिल का ही काम हुआ है, उसके ऊपर वाली मंजिल का काम तक पूरा कंप्लीट हुआ नहीं। आप देख सकते हैं, ये मोदी जी ने यहाँ पे इनका उद्घाटन किया था, जिसकी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई, साथ में योगी जी भी हैं, देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो है कुछ सौंदर्यकरण किया गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अंदर का पूरा माहौल है, और कितना स्पेस दिया गया, क्योंकि ये मेडिटेशन सेंटर है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंगली ही स्पेस दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बैठे भी हैं, और बहुत अच्छा माहौल, यहाँ के वाइब्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर जो नक्काशी की गई है, जो छत के ऊपर, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति को इस पर दर्शाया गया है, जो पहले के मंदिर वगैरह जो बनाए जाते थे, उस तरह से ही इसे बनाया गया, उसको ही ध्यान में रखे इसे बनाया गया है। चलिए जब बताता हूँ इस मंदिर के बारे में और कुछ रोचक बातें। और दोस्तों, अगर आप देखोगे दीवारों पे ध्यान से, तो रामायण महाभारत गीता के प्रसंग के चित्र इस पे बनाए गए हैं, ताकि इसे हम देख के सीखें कि ये जो काल्पनिक नहीं है, रामायण या महाभारत जो है कि गीता, ये काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। उसमें जो भी घटना वगैरह जिसमें हुई, प्रसंग हुआ है, इस पे दीवारों पे अंकित किया गया, ताकि उसे देख करके हम प्रेरणा ले सकें। और सर्वेद महामंदिर की दीवारों पर 4000 वेदों से जुड़े दोहे को लिखा गया है, आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, इतना अच्छी और क्लीन तरीके से लिखा गया है कि आप पढ़ भी सकते हैं, 4000 दोहे को इसमें लिखा गया है। और दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए जो कपड़ों का इस्तेमाल होता है, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी यहाँ पे मिलते हैं, तो उसे आप पहन के मेडिटेशन कर सकते हैं। और देखिए ये ऊपर कितने अच्छे सारे चित्र यहाँ पे दिए गए, कितने अच्छी तरीके से यहाँ से बनाया गया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाया गया है इसे। और मेडिटेशन सेंटर जो ये मंदिर बनाया गया, इसका जो समय है, प्रतिदिन आप जा सकते हो प्रातः 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी मॉर्निंग जो है कि 8 AM से इवनिंग 7 PM तक आप विजिट कर सकते हो, हर रोज़ खुला रहता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं देना है, कोई एंट्री फीस आपको नहीं देनी है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो, तो आप जितने भी यहाँ पे इनका छत जो है, मंदिर का जो छत जो अंदर से हम देखते हैं, जो सीलिंग हम बोलते हैं, उस पर आप देखोगे तो हर जगह एकदम जैसे कि नक्काशी की गई है, बहुत ही बढ़िया एकदम माहौल है। और देखिए यहाँ पे बाहर काम भी चल रहा है, क्योंकि पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है, फिर भी इसका उद्घाटन कर दिया गया है। बाहर आप देखोगे ध्यान से, तो जो ऋषि मुनियों के यहाँ पे जो है कि मूर्ति वगैरह लगाई गई है, हाथियों का झुंड लगाया गया है, मतलब वहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके जो पिलर है उसके ऊपर देखिए आप कितनी अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है, देखिए इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यानी पूरी तरह से ही हमारे भारतीय संस्कृति को इस पर दर्शाया गया है। अगर कोई ध्यान से देखे, यानी जो भी जो कि इंडिया के बाहर से कोई अगर आ रहा है, इसे देख रहा है ध्यान से, तो हमारी संस्कृति को पूरी तरह से समझ सकता है। देखिए शंख वगैरह दिए गए हैं, जो कि हम पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल करते हैं, और बाहर से इतना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि हाथियों का देखिए झुंड होता है, देखिए यहाँ पे दीवारों पे किए गए हैं जो कि मूर्तियाँ लगाई गई हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल, और रात के समय तो गाइज इतना अच्छा माहौल होता है कि क्या ही बताएं, लाइट्स वगैरह रहती तो और ये जो है सब खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। फिलहाल हम दिन के समय आए हैं, क्योंकि हम रात के समय काफ़ी नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर है यहाँ से। देखिए यहाँ पे गार्डन वगैरह बनाया गया है, कहाँ से एंट्री है कहाँ। और जैसे मैं बता रहा था कि बाहरी दीवारों पे जो है कि जो ऋषि मुनियों का जो है कि यहाँ पे चित्र बनाया गया है, यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, और हाथियों का झुंड का यहाँ पे जो है दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। यानी पहले के जो जो जीवन को इसमें दर्शाया गया है, कितने इम्पोर्टेंट हुआ करते थे ये सब जानवर भी प्रकृति के लिए, और आज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट जो कि नहीं देते हैं, बट फिलहाल उस समय काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए यहाँ पर दर्शाया गया ताकि हम इसे सीख सकें। तो दोस्तों, 2004 में इसकी नींव रखी गई थी, और 15 इंजीनियर और 600 कर्मचारियों यानी कामगारों ने मिलकर इस मंदिर को जो है दिसंबर मंथ के लास्ट ईयर जो है उसमें बनाया गया है, और प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और बाहर का जो व्यू है गाइस, वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है सिर्फ देखते जो इतनी अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है। और ये देखिए दूर से कितना सुंदर लग रहा है, सोचिए दिन में अगर इतना अच्छा लग रहा है, तो रात में कितना अच्छा लगता होगा। ये सर्वेद मंदिर बहुत ही बढ़िया लग रहा है बाहर से, देखिए कितने यहाँ से देखो, दूर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, साथ में यहाँ पे फवारे भी लगाए गए, आप वो देख सकते हो, थोड़ा और दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे सौंदर्यकरण इसका किया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बनाया गया, हर चीज़ को जो है कि नज़र में रख करके बनाया गया है इसे, आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। अगर रात के टाइम पे ये सब जो है कि फाउंटेन चालू होते हैं, तो कितना सुंदर लगता होगा देखने में। अंदर से पूरा मंदिर हमने घूम लिया है मंदिर, और बाहर से पूरा इसकी जो नक्काशी की गई है वो दिखाने जा रहा हूँ आपको, बने रहिए इस वीडियो के माध्यम से, पूरा दिखाऊंगा।
मंदिर का अभी तक जो है पूरी तरह से काम कंप्लीट हुआ नहीं है। आपने देखा जगह जगह पे काम चल रहा है, लोग इसे सहयोग भी कर रहे हैं और इसे जल्द से कंप्लीट करने के लिए आदेश दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये मंदिर ये पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट फ्लोर ही खोला गया है। लास्ट जब बाकी जो 5 फ्लोर खोले नहीं गए क्योंकि उस पर काम चल रहा है। आपने देखा कि बाहर काम चल रहा है। हम यहाँ से घूम के अच्छी तरह से अब जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, कैसे थोड़ा सा यहाँ पे बारिश होने की वजह से अच्छी तरह से हम घूम नहीं पाए, मतलब आने जाने में काफ़ी दिक्कत हुआ। पर फाइनली हमने 2 जगह का यहाँ पे ब्लॉग शूट किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट किए, आप देख सकते हैं जब ये ब्लॉग यूट्यूब पर आएंगे। तो दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की, वहाँ पे गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। और गाइस यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी सुविधा रखी है कि लेडीज़ जेंट्स सभी के लिए टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ की सुविधा रखी है, कि हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट तरह से किया गया है। अभी इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है तो इसे थोड़ा समय लगेगा इसे बनने में अच्छी तरह से। फिलहाल भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट निःशुल्क है, कोई पैसा आपको नहीं देना है यहाँ पे, जो कि जब विजिट करोगे यहाँ पे देखने के लिए तब कोई चार्ज नहीं है। मेरे आगे पीछे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यहीं पे इसका कार्य चल रहा है अभी, जो कि इसके पत्थर तोड़ तोड़ के कट करके वहाँ पे लगाए गए हैं उस मंदिर में। तो गाइस ब्लॉग ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी इसके बाद अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाले हैं, तो आपका प्यार और सपोर्ट ज़रूर देते रहिए। ब्लॉग को एंड करता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।